हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मदर की लाइफ में एक टाइम जरूर आता है जिससे वो बहुत ज्यादा बचना चाहते हैं पर वो बच नहीं पाते क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेशन का दिन। वो दिन हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स बताती हूँ और ऐसी बातें बताती हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। ज्यादा रो रहा है बच्चे को, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बच्चे को, बहुत फीवर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो। ये 6 से 7 बातें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी अगर आपके बेबी को वैक्सीनेशन लगा है तो आप अच्छे से अपने बेबी को ईज आउट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, फ्लू है, जानलेवा बीमारियां हैं जो कि हमारे बच्चे को ना हो इस वजह से हम अपने बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन अपने साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को लेकर आता है जो कि बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। बच्चा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और बच्चे की रात की नींद या हमारी रात की नींद बहुत आसानी से चली जाती है। अब वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट क्या होता है? वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट होता है जहां पे वैक्सीन लगा है वहां रेडनेस होता है, बच्चा फीवर में आ जाता है, बच्चे को पेन होता है, बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है, किसी किसी बच्चे को लूज मोशन हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चे की बॉडी पे डिपेंड करता है। फीवर तो एक कॉमन सी चीज है जो कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को आ जाती है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवाना है, बच्चा अगर छोटा है तब भी, बच्चा अगर बड़ा है तब भी, यानी कि वैक्सीनेशन तो पूरे टाइम तक लगता है, 5 साल 10 साल तक बच्चे को वैक्सीनेशन लगता है और बहुत, जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत फ्रीक्वेंटली लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं बच्चे को, आपको अगर बच्चा छोटा है तो उसको ब्रेस्ट फीड करवाइए, अगर बच्चा आपका सेमी सॉलिड लेता है तो बच्चे को कुछ खिला दीजिए, अगर बच्चा आपका सॉलिड लेता है तो बच्चे को खिचड़ी या किसी तरीके का सॉलिड डाइट दे दीजिए ताकि बच्चे का पेट भरा रहे। अब बच्चे का पेट भरा रहता है तो बच्चे को जब वैक्सीनेशन होता है या लगता है तो बच्चे को कम पेन महसूस होता है, बच्चा कम क्रैंकी होता है। अब बहुत सारे वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आधे घंटे तक ना आप बच्चे को फीड करवाइए और ना बच्चे को कुछ खिलाइए। अब बच्चा पहले से ही भूखा रहेगा तो पेन के साथ भूख की वजह से भी रोने लग जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चे को हैंडल करना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाए, बच्चा आपका जो भी कुछ खाता है, अगर फीड लेता है, खाना खाता है, तो उस चीज को हाफ एन आवर पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से बच्चे को फीड करवा के जाए। दूसरी चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपके बच्चे को किसी तरीके का फ्लू है, यानी कि उसको जुखाम है, उसको बहुत बार छींक आ रहा है, फीवर है, अगर बच्चा किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट में है, लूज मोशन है और कई तरीके की बीमारी, अगर बच्चे को ऐसा कुछ है, अगर उसके वैक्सीनेशन का टाइम आ गया है तो बच्चे को उस दौरान, जब भी आपका बच्चा बीमार है, तो वैक्सीनेशन बिल्कुल मत लगवाइए, ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये पूछना भूल जाते हैं कि बच्चे की तबीयत कैसी है, बच्चा कहीं बीमार तो नहीं है, और ऐसे में बच्चे को आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो आपको काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाएंगी जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे को या आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चा बीमार है तो आपको वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है, आपको अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट करना है, बच्चे की हेल्थ के बारे में पीडियाट्रिक को बताना है और आपका पीडियाट्रिक जिस तरीके से आपको गाइड करता है उस चीज को फॉलो करना है। कभी भी बच्चा अगर बीमार है तो उसको वैक्सीनेशन कभी ना दिलवाएं। तीसरी चीज, किसी किसी वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को फीवर आता है, किसी किसी वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को फीवर नहीं आता है, पेन नहीं होता है। तो हर वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट अलग होता है, तो जब भी कोई वैक्सीनेशन लगता है आप अपने पीडियाट्रिक से पूछिए कि इस वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को क्या साइड इफेक्ट आएगा, क्या बच्चे को फीवर आएगा, क्या बच्चे को कुछ ऐसा होगा। तो जैसा आपका पीडियाट्रिक आपको बताता है जो वैक्सीनेशन के बारे में, उसी तरीके के बाद की जो चीजें हैं उसको फॉलो कीजिए। हर वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है, हर वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को फीवर नहीं आता है, तो बच्चे को नीड हो तभी पैरासिटामोल या किसी पेन किलर का इस्तेमाल करिए। जब भी आप बच्चे को पैरासिटामोल या किसी भी तरीके का पेन किलर दे रहे हैं, फीवर रिड्यूसर दे रहे हैं, तो हमेशा बच्चे के वेट के अकॉर्डिंगली दीजिए। आप जो भी बच्चे को मेडिकेशन देते हैं उसको एकदम फ्रीक्वेंटली ना दें, एक टाइम के ड्यूरेशन में दें, क्योंकि हर चीज, जैसे कि बच्चे को अगर फीवर आ रहा है तो तुरंत आपको हर चीज नहीं देना, जैसे कि 2-2 घंटे में आपको मेडिकेशन रिपीट नहीं करना है, तो कम से कम 6-8 घंटे का गैप होना चाहिए जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं उसके बीच में। और जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं उसका डोजेस बहुत डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज्यादा डोज ज्यादा देते हैं तो दिक्कत आ सकती है, अगर आप डोज कम दे रहे हैं तो इसका उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे के ऊपर नहीं आएगा। तो डोजेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, किसी पीडियाट्रिक से बात करके डोजेस के बारे में जान लें, फिर बच्चे को उतना डोज का मेडिसिन आपको देना है। चीजें और बहुत ज्यादा बच्चे को कंफर्टेबल करती है ये है आइस एप्लीकेशन। जब भी आप बच्चे को वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं उसके बाद आइस एप्लीकेशन करना बिल्कुल ना भूले। अगर मौसम ठंडा है तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आइस एप्लीकेशन अगर आप ज्यादा करेंगे तो बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है। बच्चे को आइस एप्लीकेशन कर रहे हैं
तो किसी मोटे कपड़े में आइस को रख लीजिए और जहां पे भी बच्चे को वैक्सीनेशन लगा है वहां पे हल्का हल्का उसको सेक लगाइए। इससे क्या होगा कि वहां पे जो सूजन है वो अच्छे तरीके से कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि वहां पे हल्का सा गांठ हो जाता है, वो भी चीज क्लॉट नहीं होता है आइस एप्लीकेशन के बाद। बच्चा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आइस एप्लीकेशन आपको लगाना है लेकिन मोटे कपड़े के अंदर आइस को लगा के फिर लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उससे पहले भी और उसके बाद में भी जितना हो सके बच्चे को अपने गोद में रखिए, जितना हो सके आप कडल कीजिए। गोद में रखने से या आपका टच थेरेपी से आपका बच्चा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्रैंकी नहीं होता है उसको। रिकवर होने में आपका टच थेरेपी बहुत ज्यादा अच्छा असर करता है। ना हो सके टच थेरेपी दें, बच्चे को गोद में रखें, कडल करें, जितना हो सके प्यार करें, ये चीज बच्चे को बहुत जल्दी रिकवर होने में हेल्प करती है। जहां पे भी बच्चे को इंजेक्शन लगा है उस एरिया को बार बार छू करके देखने की जरूरत नहीं है कि वहां पे कितनी सूजन है, वहां पे कितना क्लॉट है, ऐसी कोई भी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप बार बार उसके इंजेक्शन वाले एरिया को छुएंगे तो बच्चा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। अगली और आखिरी चीज है, जब भी बच्चे को वैक्सीनेशन लगता है यानी कि पैर के दोनों थाई में अगर बच्चे को वैक्सीनेशन लग रहा है और बच्चा बहुत छोटा है, टाइम पे एक चीज बहुत अच्छा आपको काम करेगा क्योंकि ये चीज भी मुझे किसी ने बताया था और किसी नर्स द्वारा बताई गई चीज थी जो कि मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग शेयर किया जाए। बच्चे को जब दोनों पैर में वैक्सीनेशन लगता है तो मरमेड की शेप में, जैसे बच्चे को, जैसे ये दोनों पैर हैं तो मरमेड की शेप में जैसे बच्चे को स्वेडल करते हैं उस तरीके से अगर पैर को स्वेडल कर देते हैं तो बच्चा बार बार पैर नहीं हिला पाता है, इससे बार बार बच्चे को पेन नहीं होता है और बार बार बच्चा नहीं रोता है, रात में बहुत कंफर्टेबल होकर सोता है। स्वेडल करके पूरे बॉडी को मत करिए क्योंकि इससे बच्चा अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो पैरों को आप मरमेड की तरह फोल्ड कर दीजिए ताकि बच्चे का ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो बच्चे को ज्यादा पेन नहीं होगा। ये वाला टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको क्योंकि ये टिप मैंने हर एक वैक्सीनेशन के बाद फॉलो किया है जिसमें बच्चे को थाई पे इंजेक्शन लगा है और ये टिप मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स बताऊंगी, तो ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, किसी भी वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को चीनी का पानी या किसी भी तरीके का जन्म घुट्टी या ग्राइप वाटर, किसी तरीके का ये सब चीजें बच्चे को ऑफर नहीं करना है। ये चीज आपके बच्चे के पेन को, आपके बच्चे को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर सकती है, तो ये चीजें कभी भी बच्चे को ऑफर ना करें वैक्सीनेशन के बाद। बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जो बच्चे को बाद में वैक्सीनेशन के बाद में जन्म घुट्टी पिला देती हैं, ऐसा बहुत जगह पे मैंने देखा है और ये चीज बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको किसी भी वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को एक्स्ट्रा चीजें नहीं देनी है, आपको पैरासिटामोल देना है या पेन किलर देना है, फीवर रिड्यूसर देना है जो कि आपके पीडियाट्रिक आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा किसी तरीके का कुछ भी ऐसा बच्चे को मत दीजिए जिस चीज के बारे में आप श्योर नहीं है, और जन्म गुट्टी, ग्राइप वाटर और चीनी का पानी, ये चीजें तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ये चीजें आपके बच्चे के हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन सारे टिप्स को फॉलो करके आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रख सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद। ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी अगर आपके बच्चे को वैक्सीनेशन लगा है तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं अपने चैनल पे हेल्थ, ब्यूटी और पेंटिंग टिप देती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिख रहे होंगे, पेंटिंग का प्लेलिस्ट दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं।